अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको गोभी आलू मटर की सब्जी बनाना बता रही हूँ। उसके लिए मैं कढ़ाई चढ़ाई ऑयल डाल रही हूँ। मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। मैं इसमें 2 डल्ली प्याज चॉप कर ली थी वो डाल दूँ, फ्राई करने के लिए डाल दूँ, और 3 हरी मिर्चें डाल दूँ उसके साथ। हाफ टी स्पून अदरक लहसुन डाल रही हूँ मैं। अदरक लहसुन फ्राई करेंगे अपन। इसमें नमक डाल रही हूँ मैं, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ नमक। थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसमें मैं मटर भी डाल दूंगी। मैं ऐसे फ्राई करते हुए स्टोव को स्लो करके लिड कवर करूंगी 3-4 मिनट के लिए। मैं सिम पे स्टोव करके लिड कवर कर दी, उसके बाद आपको बताऊंगी। इसमें मैं एक टमाटर चॉप कर ली वो भी डाल दे रही हूँ, थोड़ा हिला के फिर लिड कवर कर दूंगी मैं। मैं लिड हटा रही हूँ। मैं हाफ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1/4 धनिया पाउडर, 1/4 से भी कम गरम मसाला, और 1/2 टी स्पून काली मिर्ची, 1/2 टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर। मैं इसको मिक्स करूंगी पूरा। रोटी के साथ और चावल के साथ बहुत टेस्टी होता है ये सालन बनाई है आप सब्जी। मैं इसको सिम पे करूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इस कवर कर 1/2 बॉल वाटर डाल दूंगी मैं इसमें। और
एक 10 मिनट के लिए मैं लिड कवर कर दूँ। इसमें थोड़ी कोथमीर अब डाल देंगे, फिर थोड़ी करके एक 10 मिनट के बाद ओपन करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए, मैं लीड हटा रही हूँ। देखिए सब जल गया, आलू मटर गोभी बनके रेडी हो गया। मैं जैसा बताया वैसा बनाइए, बहुत टेस्टी होता, टेस्टी होता। रोटी के साथ, चावल के साथ, किसके भी साथ खा सकते हैं। चलिए मैं अब आपको डिश आउट करके बताऊँ। देखिए आलू गोभी मटर बनके रेडी हो गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं जैसा बताई वैसा बनाइए। बहुत टेस्टी होता है ये सालन, रोटी के साथ, चावल के साथ, दोनों के साथ भी टेस्ट अच्छा देता। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा बना। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जब भी कोई नई डिश अपलोड करूंगी तो आप तक पहले पहुंचेंगी। फिर मिलेंगे नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।